अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपने खूंडों की सफाई करते हो, आपके खूंडे या दड़वे में बीमारी ना बने, कबूतर ठीक ठाक रहें और लकवे जैसी या सूखे जैसी बीमारी से आपको कबूतर बचाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी अगर आप इन कीड़ों से अपने कबूतरों को बचाना चाहते हो। तो मैं आपको आज इनका इलाज बताने वाला हूँ। इन कीड़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उन कीड़ों से पड़ता है जो हवा में मिलकर कबूतरों के मुंह और आँख में जाते हैं और लकवे और सूखे जैसी बीमारी बनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको आज बताता हूँ, आगे आप देखेंगे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या डालना है आपको, जिससे आपके कबूतरों का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और बीमारी बहुत ज़्यादा दूर रहे। दोस्तों, जब तक खूंडे की सफाई हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ खूंडा सफाई करने के बाद आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ खूंडा सफाई करने के बाद, जिससे आपके कबूतरों में कोई बीमारी ना आए, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है प्याज। ठीक है दोस्तों, मैं आपको प्याज का भी बताऊंगा उससे क्या फ़ायदा होगा, और आपको प्याज चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए आपको ये डिटॉल, दूसरी चीज़ आपको डिटॉल चाहिए होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी चीज़ चाहिए आपको फिनाइल की ये गोलियाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके कबूतरों में कोई बीमारी ना आए वो तब यूज़ होने वाली है। चौथी चीज़ आ जाती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चौथी चीज़ आ गई है लहसुन। लहसुन के आपको मैं फ़ायदे बताऊंगा और आपको कबूतरों में जो बीमारी ना आए खूंडा साफ़ करने के बाद, आपका दड़वा साफ़ करने के बाद, जिससे कबूतरों में कोई भी बीमारी ना आए, कैसी बीमारी ना आए, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। आगे आप वीडियो में देखिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। दोस्तों, आपको ये सारा सामान लेने के बाद आपको एक ये बोतल लेनी है, जो ये जो सलून या नाई की दुकान से मिल जाते हैं, बालों पे स्प्रे करते हैं, आपको ये बोतल लेनी है। इसके अंदर आपको पानी डालना है, उसके बाद पानी में डालने के बाद आपको इसमें डालनी है डिटॉल। डिटॉल डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, जो सारी डिटॉल पानी में ठीक तरीके से मिल जाए। डिटॉल मिलने के बाद आपका कुछ इस तरीके से ही पानी बन जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं डिटॉल के पानी से आपको क्या करना है। हमारा खूंडा साफ हो चुका है, डिटॉल का पानी हमारे हाथ में है। डिटॉल का पानी हमें खूंडे में अच्छी तरीके से ऐसा छिड़कना है, हर एक कोने में, हर एक जगह, जो ठीक तरीके से सारी जगह कबूतर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर, और कबूतरों पे भी हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ कबूतर बैठते हैं हमारे, मैं वहाँ वहाँ अच्छी तरीके से छिड़कना है। जो भी जंग छोटे मोटे उड़े होंगे वो सारे डिटॉल के पानी से ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी कबूतर आपके बैठते हैं, अच्छी तरीके से पूरे अपने जाल में आपको डिटॉल का पानी छिड़कना है। दूसरी चीज़ आपको फिनाइल की गोलियाँ ले लेनी हैं, कपूर की गोलियाँ भी बोलते हैं और इनको फिनाइल की गोलियाँ भी लेते हैं। आपको इस तरीके की गोलियाँ आपको ले लेनी है, ये हमने पन्नी फाड़ लिया। और उसके बाद आपको कुछ ये जो भी गोलियाँ होती हैं, ये आपको एक एक कोने में ऐसा करके डाल देनी है। एक इस कोने में डाल दी, एक इधर डाल दी और एक इधर डाल दी। ये जहाँ जहाँ भी आपके कोने दिखाई दें वहाँ वहाँ आपको एक एक गोली डाल देनी है, जिससे आपके कबूतरों को ये काफ़ी सारे जर्म्स जितने भी होते हैं उनको मारता है और आपके खूंडे में अच्छी खासी खुशबू भी रहेगी, ज़्यादा बदबू नहीं आएगी। जिस जैसे बदबू आती है आपके खूंडे में, बदबू नहीं आएगी। इससे ये आप बहुत ही ज़्यादा कामगर है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु जितने भी होते हैं छोटे छोटे, ये उन सबको मारेगा, और डिटॉल के पानी से भी यही फ़ायदा होता है, वो भी मारेंगे। आपको मैं तीसरा प्रोसेस बता देता हूँ, आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है। फिर ले लेनी है हमें प्याज। प्याज को हमें चाकू से इस तरीके से कट कर लेना है,
और ज़रूरी नहीं है हम उसको छीलेंगे, सिर्फ आपको प्याज को कट करना है और हमें ऐसे करके कोने कोनों में इन्हें डाल देना है। प्याज के फायदे मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी जम्स होते हैं छोटे मोटे जो दिखाई नहीं देते और कबूतरों को अटैक करते हैं बीमारी से जुड़े हुए, ये उस चीज़ का फ़ायदा करेगी और आपके कबूतरों में इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, वीडियो का स्पेशल जो सबसे मेन पार्ट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि कबूतरों में किसी के बीमारी ना हो और ठीक ठाक कबूतर अच्छे खासे रहें। भाइयों आपको लहसुन ऐसे तोड़ना है, 2 से 3 कली तोड़नी है और इसको थोड़ा पीस लेना है। पीसने के बाद आपको ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि चूरा बना दो या कुछ, बस पीस जाए थोड़ा सा। पीसने के बाद आपको थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ठीक तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको ये कबूतरों का जो भी पानी पीते हैं उसमें ये पानी डाल देना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि जो हमारा मैन है वो जस वगैरह वो अच्छी तरीके से पानी में मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसको भरकर आपके कबूतरों को दे देना है। आपको इसका लगातार 2 दिन पानी देना है, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा आपके कबूतर बीमारी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है लहसुन और बहुत ही बीमारियों में इसका काम आता है। तो ये एंटीबायोटिक होने के नाते ये जितने भी जम्स छोटे बहुत जितनी भी आपने सफाई करी होगी, अगर छोटा मोटा कोई जम्स कबूतर के अंदर चला जाएगा तो ये उसको मार देगा और आपके कबूतर किसी भी बीमारी से दूर रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रा भी तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये नुस्खा कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी।